सोमवार रात करीब 2:30 बजे पुलिस को गौ तस्करी की सूचना मिली कि गौ तस्कर भिवानी की ओर से एक टाटा गाड़ी में गाय भरकर कारोली मोड़ से रेवाड़ी की ओर आ रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीमों ने दिहीना के निकट नाकाबंदी की, परंतु गौ तस्करों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग करते हुए अपनी गाड़ी वापस मोड़ ली और कच्चे रास्ते से कनीना की ओर निकल गए। पुलिस द्वारा पीछा किए जाने पर गौ तस्करों ने गाड़ी में भरी गाय उठाकर रास्ते में फेंकनी शुरू कर दी, लेकिन CIA इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह ने अपनी टीम को साथ लेकर गौ तस्करों का पीछा करते हुए गांव माजी पहुंच गए और नाकाबंदी कर आरोपियों की गाड़ी को रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने टाटा गाड़ी से बैरिकेड तोड़ दिए और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गए। CIA पुलिस ने बहादुरी दिखाते हुए आरोपियों का पीछा किया और गाँव सोडावास पदमाड़ा के नजदीक आरोपियों को गाड़ी समेत गिरफ्तार कर दिया। जो हमारे इलाके में काफ़ी समय से ये काउ समिंग का जो ये धंधा चल रहा था, ये काफ़ी हमने नैद किया है। इसमें हमारे अभी 28-29 की रात्रि को जो इंसिडेंट हुआ है, इसमें हमारे 2 साथी भी घायल हुए हैं, 12 इंजरी उनको आई है, लेकिन पुलिस ने बड़ी अपनी मुस्तैदी से उनका पीछा करते हुए उनको राजस्थान से पकड़ के ले गए। इसमें 3 क्रिमिनल हैं, इसमें ये मेवात निवासी हैं और मोस्ट वांटेड लिस्ट के वांटेड क्रिमिनल, जिसके ऊपर 50,000 रुपये दिल्ली पुलिस का भी नाम उसके ऊपर घोषित है और उनको पुलिस ने बड़ी बहादुरी से नैद किया है। 9 गायें जो उनके चुंगल थी में थी वो छुड़वाई हैं और इससे पहले भी 19 तारीख को एक हमारे जवान को काफ़ी गंभीर चोटें लगी थी, उसमें भी हमने 6 गायों को बचाया था और मुलजिम रातों रात हमने अरेस्ट किए हैं। लेकिन इसमें कुछ ये सुनने में आया, जो हमारे ये बाट लोग जो गाय लेके घूमते हैं, ये इनके लिए काम करते हैं, ये गाय को इधर उधर से शहर में इकट्ठा करते हैं किसी पॉइंट पे और फिर इनको बुलाते हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन में आई है बातें, कुछ लोग उसमें आइडेंटिफाई हुए हैं जिनको हम जल्दी अरेस्ट। हिंद एक्सप्रेस के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट।